स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं गालिब एकेडमी। जो लोग नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। कृष्ण, आज तो अपनी बसंती को घर पे छोड़ के आया हूँ, मजा आएगा आज की शेरों शायरी सुनने में। ओए पापा, आप तो सच कहते हो, मजा तो बहुत आएगा, आज तो तोड़ देंगे फोड़ देंगे। और हर जगह तोड़ने फोड़ने नहीं होते हैं, उस जगह मजे भी लिए जाते हैं। और हाँ पापा, मजे लेंगे फोड़ लेंगे। शनि बेटे, क्या बात है, आज तो अदिल राशिद सर भी आए हैं, मजा आएगा इनके शायरी को सुन के। इनकी शायरी अगर गब्बर सुन ले तो मेरी बसंती को वापस दे दे। बसंती, तुम डरो मत, सर की शायरी को सुनने के बाद गब्बर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। चुन बेटे, लगता है कली को ढूंढ रहा है, कली को छोड़ चंपा चमेली को ढूंढ, वो बहुत जल्दी पट जाएगी, पटी तो मैं पटवा दूंगा, टेंशन मत ले। प्रियसी तुम राधा सी हो, ए प्रियसी तुम राधा सी हो, मेरे मन राग करो ना, मेरे मन राग करो ना। इश्क़ की रोटियां मैं भी सेकना चाहता हूँ, कैसा होता है इश्क़ करके देखना चाहता हूँ। आज चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को, आज चूमा लबों को, आज गर्दन को, आज गालों को, दोस्तों में अपने लंबी लंबी फेंकना चाहता हूँ। सदीद आशिक, जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जिसमें लिखे थे जज्बात वो डायरी फट गई, जहन से कुछ कर दिखाने की खुजली मिट गई। शादी की जगह जौन में दब गया, शायर बनने का शौक शादी की जगह जौन में दब गया, शादी के बाद जवानी धनिया पुदीना लगा। यही सच के बीवी के मेरा अपना खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, यही सच, यही सच के बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, और ये भी सच के बिना बिना मेकअप की बीवी बर्दाश्त नहीं होता। कहाँ आसानी होती है कोई अशार लिखने में, हजारों बार डूबे तब तो दरिया पार। यही बच्चे फलक रौंद देंगे एक दिन। एक शायर साहब ने जब मेरा ये शेर सुना तो उन्होंने कहा कि आदिल भाई, ये रौंदने का कॉन्सेप्ट कहां से ले आया? इस चूमने का फलक चूमने का तो मुहावरा था, लेकिन आपने आपने ये रौंदने वाला ले आया, ये नया है क्या है ये? मैंने कहा चूमने का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, ये बच्चे तो रौंद ही डालेंगे। दूसरा मिसरा लगेगा तो दुआ दीजिएगा। यही बच्चे फलक रौंदेंगे एक दिन, अभी जो घुटनों घुटनों चल रहे हैं। यही बच्चे फलक रौंदेंगे एक दिन, अभी जो घुटनों घुटनों चल रहे हैं। गजल का शेर के तेरी तस्वीर मेरे साथ क्यों है, तेरी तस्वीर मेरे साथ क्यों है, इसी तस्वीर से सब जल रहे हैं। तेरी तस्वीर मेरे साथ, मेरे बच्चों जरा सा सब्र रखो, मेरे बच्चों जरा सा सब्र रखो, तुम्हारा ही जमाना आ रहा है।
जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, जिंदगी भर के लिए निशानी निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिठानी। मैं नए लफ्जों को यूज करने का हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे कि ये गजल का लफ्ज नहीं है। मैंने शुरू से जो मुझे भाया वो मैंने लफ्ज में वो अपनी गजल में रखा है। सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बहुत शायरी की मैंने, देखिएगा एक नया लफ्ज आपने कभी सुना नहीं होगा। सिर्फ तुम्हारे दर तक जाना था मुझको, सिर्फ तुम्हारे दर तक, सिर्फ तुम्हारे दर तक जाना था मुझको, गूगल मैप ने सारा शहर घुमाया। गूगल मैप ने सारा शहर घुमाया है। वो बावफा था मगर बेवफा हुआ कैसे, वो बावफा था मगर बेवफा हुआ कैसे, जवाब इसका तो गूगल भी नहीं देता। यहाँ पे हमारे साथ हैं, यहाँ पे जो है यहाँ के पास खत्म हो चुका है। भाई लोग प्यार बहुत है, भाईचारा बहुत है। और यहाँ पे देखिए हमारे सागर साहब हैं, यहाँ पे भाई कौन है, चालीस भाई हैं यहाँ पे, भाई कौन है, चारा कौन है, चारा आधार है सागर भाई। कैसा लगा आपको ये आज के इवेंट? अच्छा एकदम मिले हमारे उस्ताद जी यहाँ पे आए, संचालक थे आज, तो कैसा रहा सर, कुछ कहना चाहेंगे आज नए लेखक के लिए कुछ कहना? आप बताओ ना यार कैसा लगा। ये देखिए जून साहब खफा लगता है, खफा है आज जी। सर कुछ कहना चाहेंगे नए राइटर्स जो अभी लिखना शुरू किया उसके लिए? आप आंधी और क्या चाहिए यार, अब तो कुछ सोचना ही नहीं, मतलब ओपन आइडिया मुझे आया होगा। और आपकी माहौल बनाया ये हमारे जो है बाकी लोग भी यहाँ पे, अब जो है चैटिंग का समय है, एक बजे खत्म होने वाला है। यहाँ पे बड़ा बढ़िया रहा है। और यहाँ पे तुकबंदी भाई, तुकबंदी भाई आइए इधर आइए, इधर आइए तुकबंदी साहब, कुछ हो जाए एक शेर हो जाए आपकी तरफ से। शेर ऐसा है कि अभी एकदम याद भी नहीं आ रहा जी। वो दर्द तो देते हैं मगर रोने नहीं देते, वो दर्द तो देते हैं मगर रोने नहीं देते, अपने तेज खर्राटों से मुझे सोने नहीं देते, कोई कंजूसी पर है हमारा मेरी साली और साले, प्लेट में शोर पर तो देते मगर रोटी नहीं देते। क्या कहने भाई, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूब। और हमारे साथ दिवाकर भाई, एक मिनट बस एक सेकंड का जो यहाँ पे बाकी हमारे साथ है, दिवाकर भाई भी है और सागर साहब भी है और साथ शिवम भाई। अच्छा है, सेल्फी लो, खूब लो, हाँ वो लोग के लिए किसी के पास समय नहीं है, क्या कहूँ कैसे कहूँ मालूम नहीं। अच्छा है, आदत पड़ चुकी है सेल्फी लेने की, हाँ जहां देखी भीड़ निकाला फोन और ले पाउच पे पाउच बना के सेल्फी लेने लग गए, भगवान ने हाथ दिया लगे सेल्फी लेने, अरे कुछ अच्छा काम करो। हाँ अच्छा है, बाद में बोलूंगा कि नाना बोलता है। अच्छा है, हमारे साथ है अभी मोनिश भाई जो कि बहुत ही जाने माने शायर है हमारे साथ, और साथ में दिवाकर भाई भी हैं यहाँ पे और जितेंद्र भाई हैं, देख लीजिए ये तीनों शेर हैं, तो हम चाहेंगे कि एक एक शेर आप तीनों की तरफ से हो जाए। दिवाकर जी पे कहना चाहूंगा मैं, हमारे बहुत अजीज है जी जी, दिवाकर जी पे जी, बातों से बातें निकलती है, खुशियाँ बिखेर देती है बातें यार की, कंधे से जो कंधे मिलते हैं तो दर्द समेट लेती है बाहें यार की। अरसे बाद चरागे वस्त्र जलाने वाला है,
घर से बात चरागे वस्त्र जलाने वाला है, सड़कें खाली करो वो लौट के आने वाला है। आपका और यही मैं कहूँगा, यही जो कर रहे हैं शौक से तुमको बड़ा रोशन मिलेगा वक्त जो इनको यही तुमको बुझाएंगे। है मिली जो सजा आज की के लिए, कम पड़ी है मेरी जिंदगी के लिए, और क्या जरूरत पड़ी हिज्र की है खुदा, मौत काफी नहीं दिल लगी के लिए। दर्द आंसू उदासी गमे हिज्र है, दर्द आंसू उदासी गमे हिज्र है, और क्या चाहिए शायरी के लिए। मैं चाहूंगा आइए ना ब्लॉग में मैम। अच्छा अरे सर तो आ गए, देखो ये गुरुजी हमारे कुछ हो जाए कुछ बोले कुछ तुम मनाते जाओ उनको इसलिए। हाँ जी तुम मनाते जाओ उनको इसलिए, कुत्ते की लैला इमोजी करती है। हाय हाय क्या कहने, पीछे हमारे साथ जून साहब भी हैं और सागर साहब तो हैं ही। मैं तो जा रहा हूँ चिल्ड्रन साहब को। जून साहब हो जाए कुछ एक शेर। इश्क करने चले दर बदर आ गए, इश्क करने चले दर बदर आ गए, इस तरह ही सही सब हुनर आ गए। क्या कहने, बहुत ही उम्दा। तो ये था आज आए थे हम लोग इवेंट में जहाँ पे, तो अब जो है फाइनली को ब्लॉक करते हैं एंड मिलेंगे फिर ब्लॉक, तक के लिए बाय बाय।